हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स और जिसमें हम पहुंच चुके थे क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक में। और उसमें टोटल 4 चैप्टर है, उसमें से 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम अंतिम चैप्टर अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। इसके बाद हम क्लास 10th की चारों बुकें पढ़ना शुरू करेंगे। अध्याय 4 है भारत में खाद्य सुरक्षा। सबसे पहला पॉइंट है इसका अवलोकन। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या इसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सामाजिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। पहला है खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को ही मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश के खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है तब जब पहला है कि सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, दूसरा है सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, तीसरा है खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। फिर है खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुआ अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा के ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव उपलब्धता, पर्याप्त उपलब्धता। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा के एक नया आयाम जोड़ा और हकदायरियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदायरियां का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार से में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तित्व, परिवार, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक तथा आर्थिक पहुंच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 पृष्ठ संख्या 3। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने के लिए निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है। फिर है किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्य आम की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौत होती है और भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग में फैलने वाली महामारियों या
भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर में प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत में बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस काल में सबसे अधिक वही मरे। बंगाल प्रांत में चावल की उपज इसको देखें तो वो है, ये है 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 और 1943 का डाटा जिसमें ये उत्पादन, और ये है आयात, और ये है निर्यात, ये है कुल उपलब्धता। इसके आधार पर हम देखें तो 1943 का डाटा देखकर हम पिछले वर्षों से इसकी तुलना यहाँ कर सकते हैं। और इसके बाद आप इन निम्नलिखित दो बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। ये चित्र देखें तो ये है राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग, 1945 का ये चित्र बताता है, और 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान पूर्व बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार इस चित्र में दिखाया गया। ये है जो आप अतिरिक्त कार्य के रूप में कर सकते हैं। परियोजना कार्य, भारत में अकाल संबंधी और सूचना एकत्रित करें, ये भी एक तरह का क्रियाकलाप ही है। फिर अपन मैन पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें है कि भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसा स्थान जहां अकाल जैसी दशा प्रत्येक वर्ष में बनी हुई है। जैसा कि सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोग की मृत्यु भी हुई है। हाल ही के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारा जिले में, झारखंड के पालुम जिले तथा अन्य सुदर्शी क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इसमें सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में सम्मिलित निम्नलिखित शामिल है। भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत या नगण्य भूमि पर निर्भर है। पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। ये रोज कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवन जीवित रह सकते हैं। फिर है यहाँ एक रामू की कहानी दी गई है जिसमें है रामू रायपुर गांव के कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। इसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव में पंचायत सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे उस काम के लिए सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालीन करती है। इससे उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जी के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती के में काम करती है और उसकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि का मौसम ही कार्य है और रामू को केवल बुहाई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम की लिखी मिलता है। वह वर्ष के में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है।
तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। तभी कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए भी जरूरी सामान जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूख के पेट भी सोना पड़ता है। परिवार में दूध एवं सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। इस कहानी से आप निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा या मनन कर सकते हैं। फिर है एक कहानी और जो कि है अहमद की कहानी। अहमद बंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों और 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया में से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात उसकी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना भी कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं ही खरीद सके। और सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का PDS कार्ड है। एक इस कार्ड में से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीजों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस पर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार किसी तरह पालन पोषण कर रहा है जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। इस कहानी से आप निम्नलिखित बिंदुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। फिर है खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के कारण सामाजिक संरचना की खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों जिसमें से निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं, जो इन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इसमें अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों का है। देश में कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि के खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालीन और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालीन भुखमरी मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर पर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालीन भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी
फसल उपजाने और काटने के चक्र में संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्र की कृमि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित स्तर के कारण होती हैं, जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असमर्थ रहता है। ये है सारणी 4.2 जिसमें दिखाया गया है भारत में मौसम और साथ ही दीर्घकालीन भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। जो है ये भुखमरी का प्रकार, ये है मौसमी, दीर्घकालीन और कुल। तो ये है ग्रामीण क्षेत्र की और ये है शहरी क्षेत्र की, कंपेरिजन कर सकते हैं आपने इन वर्षों में। ये है 1983, ये 93-94 और ये है 99 और 2000। इनमें आप मौसमी में भुखमरी में करें तो ये बहुत ज़्यादा आप कमी यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें भी दीर्घकालीन में भी कमी और इसमें भी कुल में भी तो कमी हो ही जाएगी। और शहरी क्षेत्र में देखें तो यहाँ भी कमी आई है, यहाँ भी कमी आई है और यहाँ भी कमी आई है। फिर है स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी अपरिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली गति प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक रूप नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई जो कि 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015 और 16 में है। वर्ष 2015 और 16 के कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। वर्ष 2016-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन है। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो कि 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमशः 15 और 16 में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि है जो कि 15.78 और 7.5 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः 15-16 में है। इसको हम अगर एक टेबल के रूप में इन आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़े हमें समझने में मदद करेंगे कि वास्तव की स्थिति क्या है। इस तरह पढ़ने से हमें शायद कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस वीडियो को पॉज कर इसको आप टेबल के रूप में भी देख सकते हैं। इसके बाद एक सुझाई गई क्रिया है जिसको भी आप देख सकते हैं। फिर अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक में प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं में के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 3 वर्षों से के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थिति के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था से 2 घटक बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। भारत में अनाज की उपज करोड़ टन में, तो ये है ये जो आंकड़ा है वो करोड़ टन में है, जो 80 करोड़ टन या 108 करोड़ टन। तो ये देखें तो 1960-61 से लेके फिर हर 10 साल के बाद देखते देखते यहाँ के बाद 2010-11 के बाद हर साल का आंकड़ा दिया गया है, जिसमें ये प्रत्येक 10 साल या उसके बाद में हर साल में होने वाली लगातार वृद्धि और इन 2 वर्षों में थोड़ी कमी देखने को हमें मिलती है। इसके बाद आप निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर इस आरेख को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहला
फिर अगला टॉपिक है बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम, यह है एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उसकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम में पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में समाज बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। इस खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार वित्तीय राशि विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में परिवर्तित करती है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं। इस अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिसे उचित दर वाले दुकान कहा जाता है, चीनी खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेची जाती है। राशन कार्ड रखने वाले कोई भी व्यक्ति प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकानों से खरीद सकता है। राशन कार्ड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निर्धनों के लिए भी निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड। फिर दूसरा होता है निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड। फिर है इसके बाद इन सबको पढ़ने के बाद ये चीजें आप पढ़ के इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं और ये भी और इसी में शामिल है। आगे पढ़ें तो भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक में एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधित 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी उसके लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं जो कि है ISDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू हुई को काम के बदले अनाज FFW 1977-78 में प्रारंभ हुई। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर नए कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP चल रहे हैं और जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है। यहाँ जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्यान्न की दृष्टि से सुरक्षा एक कार्यक्रम है, अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा के में बड़ा योगदान करते हैं। इसके बाद ये सुझाई गई जानकारी है जो पीछे दिए गए तथ्यों और पैराग्राफ में दी गई जानकारी के आधार पर हम इन पे भी चर्चा कर सकते हैं। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेदभाव नहीं था। बाद में वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधन किए गए और 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS प्रारंभ की गई। इसका यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति प्रणाली अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्य योजना अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है। इन वर्षों में के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपयोग उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति से सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुए हैं। इसमें देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों में के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति के खाद्यान्नों से उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है। इससे पहले हम दी गई ये टेबल है तो वो देख सकते हैं। इसमें दिया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो योजना का नाम यहाँ दिए गए हैं, ये कब प्रारंभ हुई, इनका लक्ष्य क्या था और इनमें जो चीजें दी जाती हैं उनकी मात्रा क्या होती है और उनकी कीमत क्या होती है। अलग अलग योजना के हिसाब से अलग अलग आंकड़े इस टेबल में दिए गए हैं। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से खसाखस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही है। FCI के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख के में केंद्रीय पूल के में खाद्यान्न का स्टॉक और उसकी मोजा मापदंडों के में अंतर को दर्शाती है। इन चीजों के बारे में आप यहाँ चर्चा कर सकते हैं। ये है वो जिसमें भारतीय खाद्य अन्न निगम 2018 के आंकड़े के अनुसार ये है न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर करोड़ टन एवं चावल और गेहूं के मानक। तो ये है बफर नॉर्म और ये है एक्चुअल स्टॉक। तो ये है बफर नॉर्म जो इस रंग से दिखाया गया है और जो सच में जो स्टॉक है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी गई है जो है अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास गरीबों विभागों में गरीबी रेखा के नीचे एक गरीब परिवारों के सर्वेक्षण के लिए चुना गया। 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़कर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त BPL परिवार
दो बार जोड़े गए। इसमें इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। सहायता की सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमतें पर अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायता की से घरेलू उत्पादों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। वर्ष 2014 में FCI के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रति माह से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रति मानो से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार आया। अनाज वितरण से हालात सुधरे, इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्यान्न स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता के नहास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए जिम्मेदार भी है। न्यूनतम समर्थन कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने की पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमतों वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत का अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदार कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल के प्रमुख तह दो फसलें गेहूँ और चावल तक ही सीमित है, न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषता खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। न्यूनतम समर्थन कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्न की वसूली अनुसरण लागत बढ़ गई है। FCI की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत से इसे और बढ़ा दिया गया। NSSO नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 गीगा वर्ष 2004-05 से घटकर 5.98 गीगा वर्ष 2011-12 में हो गई। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति माह चावल की खपत 4.71 गीगा से घटकर 4.49 किग्रा 2011-12 में हो गई। प्रति व्यक्ति PDS चावल की खपत 2004-05 में 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई है और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। PDS गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 में ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दुगनी हो गई है। PDS डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों से घटिया अनाज बेचना और दुकान कभी कभार खोलना जैसे अपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात हो है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो FCI के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन और गैर निर्धन कार्ड राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। यह प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी।
बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीदते थे। हाँ, इनका कोटा निश्चित था। इसमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिसकी आय निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों की आय से थोड़ी ही अधिक थी। जब अब 3 भिन्न कीमतों वाले पीटीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा के ऊपर वालों वाले किसी भी परिवार को राशन का दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितनी खुले बाजार में हैं। इसलिए एक राशन की दुकान में इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में विशेष कर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा से में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्नों की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियां के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं में दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जी उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों के अमूल एक और फसल सहकारी समिति का उदाहरण है। इनमें देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश में विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज में विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। ADS और गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती हैं। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में ADS की कोशिश रंग लाई है। ADS अनाज बैंक कार्यक्रम के एक सफल और एक नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। उसका इस पूरे चैप्टर का हम सारांश देखें तो वो यहाँ दिया गया है। इसमें है कि किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है। सभी नागरिकों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा के नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषण तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है, सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियमित श्रमिक हैं। देश में कुछ क्षेत्रों में खाद्य की सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी मात्रा तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहाँ बहुत अधिक गरीबी है, जनजातियों वाले न दूरस्थ व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। समाज में सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है। इसके दो घटक हैं, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल है। इनमें से कुछ कार्यक्रम है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सरकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर और ये बुक यहीं समाप्त होती है और इसी इसी के साथ हमने क्लास क्लास 6 to 9 की 4 क्लास की सभी SST यानी कि सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान की सभी किताबें
अब तक के वीडियोस में पढ़ लिए हैं, और अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे क्लास 10 की बुक्स। और इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो हम कमेंट में बता सकते हैं कि क्लास 11th और 12th की बुक भी हम इसी तरह पढ़ना शुरू रखें या फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।